सो कोशिश कीजिए कि जो नीचे आपको बोर्ड लगाना है इसके, वो लॉग बोर्ड है। भाई फेंकियो पानी और। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। वेलकम बैक गाइस, एंड क्या हाल चाल है आप सबका। सो गाइस, आज की वीडियो एक स्पीकर्स के रिलेटेड है। जैप ने हमें दो स्पीकर भेजे हैं, मैं एक अनबॉक्स करके आपको दिखा दूंगा। हमने जो प्लान किया वो हमने ये प्लान किया कि हम ये दोनों स्पीकर अपनी बाइक पे अटैच करेंगे, क्योंकि अगर बाइक के लिए अच्छे स्पीकर आपको चाहिए तो गाइस 8 से 10 हज़ार के बीच में वो स्पीकर पड़ते हैं। इससे सस्ते वाले की साउंड क्वालिटी नहीं। वो ये जो ब्लूटूथ स्पीकर है, ये एक्चुअल में ब्लूटूथ स्पीकर है, ये अभी अनबॉक्स करेंगे हम। इनकी हमने साउंड क्वालिटी टेस्ट की और बहुत ही सुपर क्वालिटी है। तो हमने ये प्लान किया है कि हम ये दोनों के दोनों स्पीकर अपनी बाइक पे अटैच करेंगे। कैसे इसको अटैच करेंगे सारा प्रोसीजर आपको समझाऊंगा, ताकि कल को आप भी इसको ऑर्डर कर सको बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। आइए, ऑलमोस्ट 1500 की रेंज में आपको ये स्पीकर मिल जाएगा और साउंड क्वालिटी सुपर। और अगर आपको ये पता हो कि आप अपनी बाइक पे कैसे अटैच कर सकते हो इसको, तो और भी सोने पे सुहागा। तो आप इन्हीं को ही अपनी बाइक, स्कूटर या स्कूटी पे अटैच कर सकते हो। चलिए पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, और देन इसको बाइक पे अटैच करके इसकी साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं। सो इस तरह की कुछ पैकिंग हमें मिल जाएगी, और अगर सबसे नीचे देखें हम तो कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ ये चीज़ आई है। अगर सबसे पहले देखें तो यहाँ वारंटी कार्ड मिल जाएगा हमें, और ये यूज़र गाइड बुकलेट आ जाएगी आपकी, ये भी कुछ है फीडबैक के लिए है ये। सो ये बुकलेट मिल जाएगी हमें, कुछ डॉक्यूमेंट्स से मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर देखें तो ये हमारा छोटा सा जैप का स्पीकर है। अगर इसको साइड में देखें तो ये लॉक है, हैंग करने के लिए कहीं पर आपको हैंग करना है। नीचे की साइड अगर देखें तो एक चार्जिंग केबल आपको मिल जाएगी, और एक ऑक्स केबल आपको मिल जाएगी। सो ये स्पीकर है गाइज, हमारे पास छोटा सा स्पीकर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और अगर आप हाथ में रखूँ तो ये देखिए मेरे हाथ पे आराम से आ रहा है ये। सो इतना सा ही स्पीकर है, ये लॉक बना हुआ है जो हैंग करने के लिए बना हुआ है, जो आप इसके साथ अटैच करके इसको हैंग कर सकते हो आराम से इस टाइप से कुछ, तो ऐसे हैंग हो जाएगा। और अगर आपको हैंग नहीं करना, अगर कहीं पे इसको लगाना है तो पीछे आपको रबड़ मिली हुई है, तो आप इसको डायरेक्टली अटैच करके कहीं पे भी लगा सकते हो। अगर इसके आगे बात करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पावर ऑन ऑफ का, यहाँ पे आपको कॉलिंग का, और कॉलिंग का ऑप्शन है, तो इनबिल्ट माइक भी है यहाँ पे। अगर आप देखो तो इनबिल्ट माइक है इसमें, आप कॉल सुन सकते हो, बात कर सकते हो इसमें डायरेक्टली। और सॉन्ग नेक्स्ट का, प्रीवियस का, वॉल्यूम कम ज़्यादा का, और यहाँ पे कि अगर बात करें तो ये बहुत टाइट है गाइस, प्रॉपर फिट। इसी से निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ पे आपको यूएसबी का चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ ऑक्स का डायरेक्टली आप चला सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि गाइस ये एक वाटरप्रूफ है स्पीकर, और पानी नहीं जाता इसमें, और अच्छी क्वालिटी का है। साउंड इसकी हम टेस्ट करेंगे जब हम इसको बाइक पे अटैच कर लेंगे। तो जल्दी से इसको बाइक पे अटैच करते हैं। बाइक पे अटैच करने के लिए हमें इसको अनलॉक करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें एक स्क्रू हमें लगाना पड़ेगा, कैसे लगाएंगे वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और बाइक पे कैसे लगाएंगे वो भी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस बाइक पे आपको लगाने के लिए एक 10 नंबर का आप बोल्ट ले लीजिए, और इसको इसके बीच में जब आप लगाओगे, ये टाइट है काफ़ी, तो इतनी आसानी से जाएगा नहीं, इसको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा आपको, ये आराम से यहाँ पे चला जाएगा। सो एक बार ये यहाँ पे चला जाएगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे का काम क्या करना है आपको। बाद गाइज आपको यहाँ पे अपने हैंडल पे, यहाँ पे भी आपको अटैच करना है, वहाँ पे आपको ड्रिल करके होल कर लेना है। जैसे हम 10 नंबर के बोल्ट के लिए कर रहे हैं, तो 10 नंबर के ड्रिल बिट लेके आपको ड्रिल से होल कर लेना है। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये स्क्रू डाल के इसको सीधा इसके अंदर डालो, और इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट, मैं भाई को बोलूँगा पकड़ के रखें एक बार। और अगर आप यहाँ नीचे से देखो तो ये आपका बोल्ट निकल गया, और यहाँ से हमें आप आगे, और यहाँ पे हमें यहाँ नीचे इसके बोल्ट टाइट करना है। जल्दी से वो टाइट करते हैं, एक बार इसको अटैच करते हैं, देन आपको दोनों अटैच करके एक बार लुक दिखाते हैं, देन इसकी साउंड टेस्ट करते हैं। चलिए। सो कोशिश कीजिए कि जो नीचे आपको बोल्ट लगाना है इसके, वो लॉक बोल्ट हो, क्योंकि लॉक से क्या होता है कि ये लूज़ नहीं होता, और प्रॉपर अच्छे से फिटिंग हो, कहीं ऐसा नहीं कि जुगाड़ी काम हो जाए।
बट गाइज अगर आप देखो तो एक स्पीकर हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, एक स्पीकर हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो कुछ इस तरह से दो स्पीकर अटैच हो गए। अब बात आएगी, बहुत से लोगों के मन में होगा कि भाई ब्लूटूथ स्पीकर है तो इनका चार्जिंग का ऑप्शन और दोनों एक साथ कैसे प्ले करने हैं। गाइज उसका मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। दे दोनों ब्लूटूथ स्पीकर अगर आप ऑनलाइन गूगल पे भी सर्च करो तो आपको बहुत से ट्रिक मिल जाएंगे कि दो ब्लूटूथ स्पीकर को एक ही फ़ोन के साथ कैसे अटैच किया जाता है और कैसे प्ले किया जाता है। लेकिन सबसे बढ़िया जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं, एक आपको यहाँ पे फ़ोन हैंग करने के लिए जो फ़ोन होल्डर होता है वो लगाना पड़ेगा, जो विद USB चार्जर हो, ठीक है। और आपको एक ब्लूटूथ परचेज करना पड़ेगा, जो मैं जिसकी इमेज अभी डाल रहा हूँ, पहले आप इमेज देखिए। ऑनलाइन आपको 100-120 रुपये का मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले इमेज देखिए। ये आपको USB ब्लूटूथ मिलेगा, ये आपको वो जो चार्जिंग प्लग है उसके बीच में इंसर्ट करना पड़ेगा। देन आपको एक और चीज़ आपको लेनी पड़ेगी जो एक ब्लूटूथ के बैक साइड पे अटैच होगी, जो सिंगल टू ड्यूअल ऑक्स केबल हमारी निकालता है, जो एक ऑक्स की पोर्ट से दो ऑक्स की जो हमें बैक में मिलती है वो पोर्ट निकालता है। मैं उसकी भी आपको पहले फ़ोटो दिखा देता हूँ, देन आपको उसका भी लिंक दे दूंगा जो आपको अमेजोन से ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, वो परचेज करना है। ये वाली ऑक्स आपको इस ब्लूटूथ के पीछे लगानी है और इस ब्लूटूथ को आपको इस हमारे चार्जिंग वाले पोर्ट पर लगाना है, और यहाँ पर ऑक्स जो हमारी निकलेंगी वो दोनों ऑक्स उसके बीच में लगानी है। तो जिससे क्या होगा कि आपका ब्लूटूथ ये वाला जो मेन जो आपने एक्सटर्नल ब्लूटूथ लिया है वो काम करेगा और आपके दोनों के दोनों स्पीकर्स आपके काम करेंगे। सो इस तरह से आप इन दोनों स्पीकर्स को ब्लूटूथ भी बना सकते हो। और अब बारी आती है इनकी साउंड टेस्टिंग की, इनको साउंड हम टेस्ट करके देखते हैं इनकी आवाज़ कैसी है। चलिए, सो ऑलराइट गाइस, ब्लूटूथ हमने एक कनेक्ट कर लिया, पूरा सिस्टम भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा किसी दिन। फिलहाल ये स्पीकर हमने अटैच किया और NCS का हम गाना प्ले कर रहे हैं, और अगर आप साउंड सुनो इसकी काफ़ी अच्छी साउंड है। एक और बात गाइस, ये जो स्पीकर्स हैं ये वाटरप्रूफ हैं। अभी गाना प्ले हो रहा है, मैं भाई को बोलूँगा थोड़ा बहुत पानी इसके ऊपर फेंक के देखें, तो हम टेस्ट करेंगे इसको। और स्टिल अगर आप इसकी आवाज़ बढ़ाओ, भाई फेंकियो पानी, और तो कोई दिक्कत नहीं आ रही हमें। और ये गाइस ब्लूटूथ वाटरप्रूफ है। सो ऑलराइट गाइस, ये जैप की ओर से हमें स्पॉन्सर किए गए थे दो स्पीकर, और सीरियसली बोलूं तो बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी ऑसम है, शायद वीडियो में इतनी जस्टिफाई ना कर पाऊं। और बजट अगर आप देखा जाए, थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया हमने, बाइक के लिए हमने यूज़ कर लिया, लेकिन इसको आप लैपटॉप ब्लूटूथ या लाइक मोबाइल के थ्रू यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इजी टू कैरी है, छोटा सा साइज़ है इसका। और अगर गाइज अगर आप वीडियो देख के इसी तरह अगर बाइक पे स्कूटी पे अगर यूज़ करना चाहो तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इतने सस्ते में इतनी बेस्ट क्वालिटी वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। और जो बाइक के लिए स्पेसिफिक आते हैं, जो स्पेशली जो बाइक के लिए आते हैं, उनकी क्वालिटी इस रेंज में इतनी अच्छी नहीं होती, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम इनको अपनी बाइक स्कूटी या स्कूटर किसी पे भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो चलिए, बाकी भाई आपकी विश, आप अगर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारी चीज़ों के, अगर आपको चाहिए तो आप जाके परचेज़ कर सकते हो। चलिए, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।